क्या किया जाए, कॉम्प्लीमेंट्री विजिट थी, तो क्या किया जाए, दिमाग लगाया कि भाई लेटेस्ट आप में ये प्रॉब्लम कब से महसूस की। उन्होंने कहा जी कोई 5-6 महीने से, बड़ी पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी, उसने 5-6 महीने आपने चेंजेस क्या की, उसी में ध्यान लगाया, सारी फैक्ट्री ढूंढते रहेंगे क्या उसमें मिलेगा। उन्होंने कहा हमने क्या है कांटा बदला है, जो है ना बिंग ब्रिज बदला है जिसमें ट्रक तुल के जाते हैं, भाई कहाँ लगा है, अब जो कहाँ है वहाँ जाके देखा कि वो साउथ में लगा हुआ है, वो साउथ ईस्ट स्टेबिलिटी, पहले देखा कहाँ लगा हुआ था, और पहले वो देखा तो नॉर्थ में लगा हुआ था, तो उससे ये हमारे रुक गया। तुमने कहा क्या करो, इसको तो छेड़ छोड़ो मत, नहीं रहने दो, अभी तोड़ना निकालना मेरी छुट्टी कर देगा, अब आप क्या करो कि एक और छोटा कांटा एक नॉर्थ वेस्ट जोन में लगा हुआ, नॉर्थ वेस्ट जोन का हवा की तरफ, तो वहाँ पर अभी इस आज की डेट में आपकी रुका हुआ है, आप ये कह नहीं सकते उनको कि मैं वास्तु वाले को दिखाया है, पहले बता रहे हो आप, ठीक है कोई चेंज हो नहीं सकता, आपकी वैसी कुंडली खराब हो रही है, शिफ्टिंग की पागल होकर जो डायरेक्टर ने चार बात हुई, तो क्या करो नॉर्थ वेस्ट में कांटा लगा हुआ, नॉर्थ वेस्ट में कांटा लगेगा तो नॉर्थ वेस्ट हवा, तो हवा की तरह मानसून चलता रहेगा, आना जाना लगा रहेगा, तो सिचुएशन काफ़ी सारी इम्प्रूव होगी। एक चेंज करने से, जैसे एक सड़ा हुआ एप्पल होने से क्या होता है, सारा की सारी बोरी खराब हो जाती है, एक चेंज से ठीक ठाक चलता हुआ काम जो है वो खराब हो सकता है, और एक पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट होने से सारे सिस्टम जो है ना वो एकदम जैसे रुकने या स्लो प्रोग्रेस जो है वो आपकी अच्छी प्रोग्रेस और हेल्थी प्रोजेक्ट हो सकता है। यहाँ बात कर रहे थे बंद कोनों का प्रभाव, नॉर्थ ईस्ट से हमने अभी तक जाना कि फाइनेंस का एरिया है, पानी का एरिया है, पीस ऑफ माइंड का एरिया है, एजुकेशन का एरिया है, तो ये इसको ब्लॉक करना, बंद करना, कटना, इन सब चीज़ों में कमी देता है। जैसे मैंने कहा सिर्फ कमरे के अंदर बच्चा जहाँ पढ़ रहा है या आप लोग काम कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट बैठा हुआ है, तो वहाँ पर उसको एक्टिवेट करके वहाँ पर आप कमरे लगा के वहाँ पर कोई वॉल क्लॉक लगा के उस जोन में कोई पानी का सीन, 100 वास्तु दोष दूर हो जाते हैं, ये अति शक्ति हो सकती है कहने की, मतलब बहुत कम हो जाते हैं, तो इसलिए आइलैंड बन जाता है उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर यदि हम इधर बनाएंगे तो उसमें नॉर्थ दिशा से थोड़ा हटके, यानी उसके बाउंड्री को यूज ना करके अलग से बाउंड्री बना के बनाएंगे, तो उसमें भी अलग से बाउंड्री बनाएंगे, अब वो हमारे लिए अच्छा होगा। साउथ ईस्ट बंद करने से बड़ी सीरियस बीमारी घर में लेडीज खासतौर से व्यवहार और पैसे का एक्यूमुलेट ना होना, लड़ाई झगड़ा होना, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। साउथ ईस्ट हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड ब्लॉक हो गया तो एक्टिविटी कम हो जाती है। वेस्ट में डिफेक्ट होने का मतलब अनएंडिंग लिटिगेशन, राजधानी मानसिक समस्या है, घर में समझ नर्वस सिस्टम से कोई प्रॉब्लम बीमारी है, तो नॉर्थ वेस्ट होने को इमीजिएटली देखो जाके आप कि वहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कटा हुआ तो नहीं है, बंद तो नहीं है। नॉर्थ वेस्ट से बेसमेंट में जा सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट से बेसमेंट आपका मतलब है कि नॉर्थ वेस्ट एरिया से सीढ़ी आए तो नीचे जा रही है, तो उसके अंदर क्या हो गया कि जैसे साउथ वेस्ट में सीढ़ियाँ होना सबसे अच्छा है, ओके उसके बाद साउथ होता है, उसके बाद वेस्ट होता है, एक मिनट सीनियर की बात कर रहे हैं, उसके बाद साउथ ईस्ट होता है, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट होता है, ये हम ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जाने की बात कर रहे हैं। साउथ वेस्ट का मतलब कूला हो गया, वेस्ट वाले कमर हो गई, साउथ ईस्ट का मतलब है राइट हैंड हो गया, नॉर्थ वेस्ट का मतलब लेफ्ट हैंड हो गया। अब ऊपर के लिए ये इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी आपके पास आ गई, एक्सेप्टेबल हो गई, नीचे के लिए, नीचे डिप्रेशन में जाने के लिए नॉर्थ ईस्ट से फर्स्ट प्रायोरिटी है, नॉर्थ से सेकंड प्रायोरिटी है, ईस्ट से थर्ड प्रायोरिटी है, नॉर्थ वेस्ट से उसके बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी है। जा सकते हैं, आइडिया नहीं है, चल सकता है, ठीक है। फाइनेंशियल लॉसेस, मानसिक समस्या, नॉर्थ में हवा है ना, हम नॉर्मली क्या करते हैं, हमारे जीवन की ज्यादा दो तरह से समस्याएं रहती हैं। एक अभी हमारे को ना जॉनसन जॉनसन के दुबई में मिले थे एमडी गल्फ के, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उन्होंने कहा जो वो बताता हूँ, फिर दूसरी को बताता हूँ। उन्होंने कहा हमारे जीवन में ज्यादातर समस्या 80-20 के चक्कर में,
80-20 क्या होता है, कह रहे हैं हमारे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये होना था, मैंने उसके साथ ये किया, ऐसा हो सकता था। 80% हम पास्ट में घूमते रहते हैं, 10% हम फ्यूचर में रहते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा कभी ऐसा ना हो, कभी ऐसा हो जाए। तो हमारी जो एनर्जी है 10% ही बचती है प्रेजेंट के लिए, हमारी टोटल एनर्जी। वैसे ही लिखा है जैसे कि हमारा जो ब्रेन है हार्डली 5-7% काम करता है, उसमें से भी हम हमारे 90% तो आगे पीछे के चक्कर में रख गया, तो अभी क्या रह गई हमारी। तो इसीलिए हम जो बन सकते हैं, जो कर सकते हैं जीवन में, उसका हमारे पास देख लो फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज हमारे को मिलता है। कहते हैं यदि हम 10% पास्ट का ध्यान रखें कि पीछे हमसे क्या गलतियाँ आई, उनसे हम सबक लें, आगे की प्लानिंग करते समय 10% ध्यान रखें, 80% एनर्जी आपकी आज में लगाएं, आज को सुखी बनाए, आज को स्वस्थ बनाए, आज को ठीक बनाए, आज हमें मैक्सिमम टाइम लगाए, तो हम जीवन को एकदम रिवर्स गियर में डाल सकते हैं। बेंजामिन उनका नाम है, क्रिश्चियन वैसे हैं, वो 32 साल से रह रहे हैं दुबई में, गल्फ एरिया के जॉनसन जॉनसन के एमडी हैं। बड़ी अच्छी लगी बात, जुड़नी हमारे धर्म में अच्छी बात है, सब धर्म। दूसरी बात, ज्यादातर घरों में ऑर्गेनाइजेशन में फिजिकल प्रॉब्लम होती है, एक्चुअल नहीं है, ना कोई पति पत्नी को, ना कोई भाई भाई को, ना बहन भाई को, ना कोई बॉस अपने एम्प्लॉय को, ना एम्प्लॉय अपने बॉस को, कोई किसी को कष्ट देना, ह्यूमिलेट करना, तकलीफ देना नहीं चाहते। ज्यादातर प्रॉब्लम फिजिकल होती है कि ये टीचर में समझूंगा कि ये जो है स्टूडेंट है, इसने मुझे नमस्ते नहीं करी, पता नहीं देखा ना हो, क्या पता अपने काम में बिजी हो, कोई भी अंदर आ रहे हैं, हस्बैंड को लग रहा है कि आज वाइफ ने स्माइल देके मुझे रिसीव ही नहीं किया, इसका ध्यान तो पता नहीं कहाँ लगा हुआ है। तो ज्यादातर जो है समस्या हमारी विम्जिकल होती है। तो नॉर्थ वेस्ट माने हवा, हम हवा में खोए हुए हैं कि ये होना चाहिए, ये नहीं हुआ, या हम विम्जिकल जिसका कोई कारण नहीं है उस कारण से हम परेशान हैं। तो नॉर्थ वेस्ट यदि हमारा खराब हो, हमारा ब्लॉक हो, कटा हुआ हो, ज्यादा भारी वजन रखा हुआ हो, नॉर्थ वेस्ट में फर्नीचर रखना है हमने, चलिए कमरा में एक ही मिला हुआ ऑफिस, तो वहां पर ऐसा फर्नीचर है जिसके नीचे हवा जा रही है, उसी से इंप्रूवमेंट हो जाती है। वहां हमने ब्लॉक कर दिया, ऐसा फर्नीचर रख दिया जिसके जैसे इसके नीचे हवा जा रही है, ओके है, इसके नीचे हवा जा रही है, लेकिन ऐसा फर्नीचर रख दिया ब्लॉक जिसके नीचे हवा जा रही, उससे उसमें रहने वालों के सोचने में जो माइंड सोचेगा गलत सलत, तो डिसीजन भी गलत सलत होगा, बुद्धि से एक्शन भी गलत सलत होंगे, तो रिजल्ट भी गलत सलत आएंगे, सारा हमारा जीवन उससे अफेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है प्रयत्न करके इन दोषों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। जी मैडम, खुला सबसे अच्छा है, पर मान लीजिए मजबूरी है, आपको सामान रखना ही है, तो ऐसा रखें फर्नीचर जिसके नीचे हवा जाती है, ब्लॉक वाला ना रखें। साउथ वेस्ट बंद हो सकता है, लेकिन साउथ वेस्ट में भी क्या होता है, एक मेन है, मान लीजिए ना यहाँ पर एक मेन वो है, एक मेन हमारी बिल्डिंग है, उसके साथ ये लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगी, साथ नहीं लगा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये हमारा अलग से कंस्ट्रक्शन की हुई है जिसके चारों तरफ हम घूम सकते हैं यहाँ से, तो ये बंद हो सकता है, इसमें कोई तकलीफ नहीं। क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? देखिए मैडम, हवा को हम पकड़ नहीं सकते, पानी को पकड़ नहीं सकते, आग को पकड़ नहीं सकते, लेकिन साउथ वेस्ट वाले मट्टी, मट्टी को आप होल्ड कर सकते हो, तो वहां पर कॉर्नर बंद कर सकते हो, ये मेरी सॉल्यूशन है, लेकिन वो मेन जो कंस्ट्रक्शन है हमारी उसके साथ लिंक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो एक्सटेंशन हो जाएगी, साउथ वेस्ट में एक्सटेंशन अच्छी नहीं है, हमने भी डिस्कस किया, ठीक है। हाँ, वो जो बंद है कमरा स्टोर में किसी भी काम में यूज कर सकते हैं, भारी सामान रखने के लिए बहुत अच्छा। ये बात कर ली थी पहले, जैसे अंडरग्राउंड टैंकी ऑलरेडी हम डिस्कस किया है, नॉर्थ ईस्ट में अच्छा होता है, बेस्ट होता है, साउथ ईस्ट में होगा तो वही एक्सीडेंट होगा, डिले होगी हर काम में,